हूं कुलजीत सिंह और आप देख रहे हैं जोदाना अब तक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। एनएसयूआई के धरने को विधायक का मिला समर्थन। लॉकडाउन के चलते देश भर में स्कूल और कॉलेज पिछले कई महीनों से बंद पड़े हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया है। इसी बीच जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एनएसयूआई संगठन छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। आज शहर विधायक मनीषा पवार भी एनएसयूआई के धरना स्थल पर पहुंची और उनकी मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय कार्यालय के बाहर एनएसयूआई छात्रों को प्रमोट करने व हॉस्टल फीस माफ करने को लेकर लगातार धरना दे रही है। शहर विधायक मनीषा पवार भी धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने पहुंची। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिनेश परिहार ने विधायक मनीषा पवार को ज्ञापन सौंप छात्रों की मांग पूरी करने की मांग की है। इस बीच विधायक मनीषा पवार ने कहा कि एनएसयूआई छात्र राजनीति में अग्रणी संगठन है व छात्रों के हितों को लेकर लगातार आगे रहती है। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा कराना राज्य सरकार का व केंद्र सरकार का दायित्व है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। विधायक ने कहा कि एनएसयूआई छात्रों की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाएंगे। वहीं उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छात्रों की मांगों को पूरा कर उनको राहत देने का प्रयास अवश्य करेंगे। देखिए, हमारा एनएसयूआई जो कांग्रेस का संगठन है वो युवा संगठन है, जो हमारी नींव है हम उस एनएसयूआई को कहते हैं। आज एनएसयूआई छात्र राजनीति में अग्रण होकर कार्य कर रही है। छात्रों की क्या भलाई है, उसमें हम कैसे उसको वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिनेश परियार के नेतृत्व में आज इन विद्यार्थियों ने और इनके समस्त पदाधिकारियों ने यह धरना दिया है। जिस तरह पूर्व में कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में और राजस्थान में और जोधपुर में भी आप देख रहे हैं रोज़ के रोज़ अधिक से अधिक मरीज़ आ रहे हैं, उसमें परीक्षाएं कराना अव्यवस्थित नज़र आ रहा है। आप पूर्व में भी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जहां पर भी पेपर्स हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नज़दीक लोग बैठते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार ने भी स्कूलों को भी प्रमोट किया है बच्चों को, तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको आगे कक्षा में प्रमोट किया जाए इस साल और उनके पिछले अंकों को देखते हुए अंक की वृद्धि भी की जाए। और इसके साथ साथ जो कोरोना महामारी में आर्थिक मंदी हुई है उस बात को देखते हुए इनकी ये भी मांग है कि हॉस्टल की जो फीस है वो भी कम की जाए या दो तीन चार महीने की वो नहीं ली जाए। तो मांगे बहुत जायज़ है, इन्होंने आज मुझे ज्ञापन दिया है, तो सरकार का प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं राज्य सरकार तक, मुख्यमंत्री जी आदरणीय गहलोत साहब तक ये अपनी बात, ये इनके मेरे माध्यम से इनकी बात पहुँचाऊँगी, इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगी। और अभी हमने वीसी से भी बात करके आई हूँ कि जिस तरह हमारे ये छात्र आज धरने पर बैठ, दो दिन से धरने पर बैठे हैं, तो इनकी मांगों को मांगा जाए और इन्हें राहत प्रदान की जाए। मंडे को सिंडिकेट की बैठक है तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये निर्णय 31 जुलाई तक सरकार कह रही है आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलती जा रही है उसको मद्देनजर रखते हुए परीक्षाओं को न किया जाए और बच्चों को आगे प्रमोट कर दिया जाए और इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाए ताकि बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें।